आज सबके लिए मैं लेकर आई रसमलाई, जिसके लिए लगेगा 1/2 लीटर मिल्क, 100 ग्राम मिल्क पाउडर, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया आलमंड, काजू, किशमिश और लगेगा 50 ग्राम शुगर, 1 पीस एग। पहले अंडे को तोड़ के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक प्लेट में मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, घी और अंडे को अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। डो बनाने के समय अंडे को एक बार में ऐड मत करना, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना और ऐड करना। देखिए डो रेडी हो गया है। अगर डो हाथ से बिना चिपके निकल जाए तो समझ लेना आपका डो रेडी है। अब कढ़ाई में दूध को गर्म होने के लिए डाल देंगे। जब तक दूध गर्म हो जाए तब तक रस मलाई का बॉल बना लेते हैं। बॉल बनाते बनाते दूध गर्म हो गया है। अब थोड़ा सा गर्म दूध एक अलग कटोरे में ले लेंगे। उसके बाद सब बॉल को गर्म दूध में डाल देंगे और लीड से कवर कर देंगे। लीड में कोई भी छेद नहीं रहना चाहिए। अब जिस कटोरे में दूध को अलग से रखा था उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। जब रस मलाई का बॉल थोड़ा फूल जाए अब लीड हटाकर शुगर और वो कटोरे का दूध ऐड कर देंगे। शुगर घुलने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा और देखिए ऐसा फूल जाएगा। गैस ऑफ करने से पहले ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। देखिए आपका रस मलाई रेडी हो गया है। ये सिंपल रेसिपी आप किसी त्योहार में इजीली बना सकते हैं। सामने रक्षाबंधन है तो सभी बहन अपने भाइयों को ये बनाकर खिला सकते हैं। और मेरी तरफ से सब भाइयों और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। ये रेसिपी अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करना। और हाँ, छोड़ के जाने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।